Hello, good morning students. Good morning students. You are welcome again in today's online class. Okay, students, please mute your mic. Apna mic band rakhenge. So students, इकतालीस हो गया था। ओके स्टूडेंट्स, एज यू नो दिस इज अवर जनरल साइंस क्लास एंड आई एम योर साइंस टीचर संदीप पटले। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल एंजॉयड दिवाली वेकेशन सेफली एंड हैप्पीली। सो टुडे लेट्स स्टार्ट अवर ऑनलाइन स्टडी विथ न्यू एनर्जी एंड न्यू जेस्ट, है ना बच्चों। तो आज से हम फिर से जो है अपनी दिवाली के बाद का जो सिलेबस है जनरल साइंस का, हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो अभी टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर नंबर 9। स्टूडेंट्स, प्लीज मीट अपना माइक जो है बंद रखो। ओके ओके सर, यस ओके सर। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर नंबर 9, मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा पहले इंफॉर्मेशन ले चुके हैं, फिर भी जो है आज हम फिर से इसको थोड़ा सा मोशन तो चलिए मैं भी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो मोशन जैसे आपको मालूम है, मोशन मतलब क्या होता है ना, मोशन यानी कि कोई भी चीज जो मूवेबल होती है वो मोशन में होती है ना, ये हमने पढ़ चुका है, आपको मालूम है। तो ठीक है, आज हम फिर से मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में देखते हैं। यू आर वेलकम अगेन इन बीएमसी ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम। ओके, सो मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन टॉपिक है हमारे आज के, ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, डेफिनेशन ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, लीनियर मोशन और नॉन लीनियर मोशन एंड लास्ट इज स्पीड। ठीक है, सो मूविंग ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर इस पिक्चर में आपको कुछ जो है ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे विंड मिल है, ट्रीज है, बटरफ्लाई, एरोप्लेन और लॉयन। तो इसमें से आप बता सकते हैं कि कौन सी चीज मूव कर रही है और कौन सी चीज मूव नहीं कर रही है ना। जैसे आप इजीली देख सकते हैं, यहाँ तो ये पिक्चर है बट आप बता सकते हैं कि जो एरोप्लेन है वो हवा में उड़ रहा है ना, और बटरफ्लाई भी फ्लाई कर रही है, और विंड मिल भी जो है वो भी उसके जो जो है वो भी घूम रहा है, बट जो ट्रीज है, ट्री और जो लॉयन है वो एक ही जगह पर है ना, स्टेबल है। सो आप देख के बता सकते हो कि इसमें मूविंग ऑब्जेक्ट कौन से है और नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट कौन से है। तो ऑब्जेक्ट एरोप्लेन, मूविंग ऑब्जेक्ट कौन से है, एरोप्लेन और बटरफ्लाई और फैन। ठीक है, विंड मिल है वो, यस। तो हमने देखा, वी सी दैट द फ्लाइंग प्लेन,
The blades of the windmill and butterfly are in the motion, whereas the lion is at rest. है ना, lion जो है वो rest कर रहा है एक ही जगह पर. So yes, sir. Let's see what is motion and what are the types of motion. तो इस पिक्चर में भी आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है, फुटबॉल है ना, ये जो लट्टू है, बॉल है, एरोप्लेन दिखाई दे रहा है. तो इसमें भी बहुत सी चीजें जो है मूविंग कर रही है ना, मूव कर रही है. मूव कर रही है आपको कैसे पता चलता है, कैसे पता चलता है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, कैसे पता चलता है आपको? हाँ, आप कैसे बोलेंगे कि, कैसे बोलेंगे कि कोई जो वस्तु है वो मूव कर रही है, कैसे पता चलता है? जो ऑब्जेक्ट है अगर अपनी जगह बदलता है ना, अगर उसका डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम बोलते हैं कि वो मूविंग कर रहा है ना. अगर वो अपनी जगह पर एक ही जगह पर रहेगा तो हम उसको नहीं बोल सकते, लेकिन अपनी जगह जब वो चेंज कर लेता है तो हम उसे कहते हैं कि वो मूव कर रहा है. मूव कर रहा है इसका मतलब कि वो मोशन में है ना. जैसे कि ये फुटबॉल ऊपर की तरफ जा रहा है, जो फुटबॉल है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये गोल गोल घूम रहा है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, और ये राउंड राउंड में है ना. तो कोई गोल गोल घूम रहा है, कोई सीधे ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, कोई गोल गोल घूम रहा है ना. तो ये सब क्या है, मूव कर रहे हैं, मतलब अपनी प्लेस बदल रहे हैं, इसलिए कहेंगे कि ये सब क्या है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स है ना. बेटा बार बार अपना माइक चालू मत करो, ठीक है, डिस्टर्ब होता है, माइक बंद ही रखो अपना. ओके, सो हमने देखा यहाँ पे बहुत सारे मूविंग ऑब्जेक्ट है. सो मोशन हम कब कहते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट इज सीन by an observer to change its place continuously, the object is said to be in motion. यानि जब हम कोई object को उसकी place change करते हुए देखते हैं, है ना? अगर वो अपनी place change नहीं करेगा तो हम उसको कहेंगे क्या कि वो move कर रहा है? नहीं. तो जब तक वो अपनी place change नहीं होगी उसकी, उस object की, तो तब तक क्या होगा, हम नहीं कहेंगे कि वो motion में है, ठीक है? तो observer मतलब कि हम लोग, है ना, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह चेंज तो नहीं कर रहा है. अगर वो चेंज कर दिया मतलब कि वो मोशन में है, हम कहते हैं. सो चेंज ऑफ प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की, वस्तु की जब डिस्प्लेसमेंट होती है, यानी प्लेस चेंज होती है, तो हम कहते हैं कि वो क्या है, मोशन में है. सो एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यूसली अंडरगोज डिस्प्लेसमेंट. यानी जो भी ऑब्जेक्ट कोई मोशन में होता है वो कंटिन्यूसली क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में होता है. डिस्प्लेसमेंट मतलब कि उसकी हर टाइम जो है उसकी क्या होती है, जगह जो उसकी प्लेस होते जाती है, ठीक है, उसकी प्लेस क्या होती जाती है, चेंज होते जाती है, तब हम बोलते हैं कि वो मोशन में है. तो आगे देखते हैं. तो कई बार क्या होता है कि जब हम किसी एक जगह पर बैठे होते हैं तो हमें जो सामने से हमारे गाड़ियां अगर जाते हुए दिखाई देती है तो वो हमें चलते हुए दिखाई देती है ना. हम लोग अगर एक जगह पर बैठे हैं किसी रोड के साइड में और हमारे सामने से अगर कोई बस, कार या बाइक जा रही है तो हमें लगता है कि वो मोशन में है, वो चल रही है ना. बट अगर हम खुद का कोई कार ड्राइव कर रहे हैं तो हमें कैसा लगता है कि वो जो आसपास के जो, हम जब बाहर देखते हैं कार से तो हमें लगता है कि आसपास की जो बिल्डिंग्स है, ट्रीज है, वो पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं, वो मोशन में है. तो ऐसा क्यों होता है, इसका भी एक रीजन है. तो क्या रीजन है उसका हम देखते हैं. व्हाइल ट्रैवलिंग इन अ कार और एनी व्हीकल्स यू सी ट्रीज, बिल्डिंग्स एंड पीपल आर सीन रन बैकवर्ड्स, है ना. हम लोग उसको सब पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, पेड़ पौधे जो है, बिल्डिंग, जबकि ये तो एक ही जगह पर रहते हैं. On the contrary, a person standing beside the road see other vehicles appear to be in a state of motion. लेकिन अगर हम खुद अगर रोड के साइड में खड़े हो तो हमें क्या होता है, बाकी की जो गाड़ियां वगैरह है वो
मोशन में दिखाई देती है। उसका रीजन ये है कि इफ द ऑब्जर्वर सीज एन ऑब्जेक्ट चेंजिंग इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, यानी हम लोग कब कैसे उसकी जो मोशन है वो कैसे पता करते हैं कि हम लोग उसके सराउंडिंग्स देखते हैं, है ना। उसकी सराउंडिंग्स जब एक जगह रहती है बट वो जो ऑब्जेक्ट उसका डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वो उसकी जगह चेंज करती है बट उसके आसपास की जो सराउंडिंग होती है वो एक ही जगह पर रहती है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, तब हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो मोशन में है, है ना। सो अ पर्सन ट्रैवलिंग बाय कार सीज ट्रीज एंड बिल्डिंग्स रनिंग बिहाइंड एंड अ पर्सन स्टैंडिंग बिसाइड द रोड सीज अदर व्हीकल्स इन अ स्टेट ऑफ मोशन, है ना। इसीलिए अगर हम रोड की साइड में बैठे हैं तो हमें गाड़ियां जो है वो मोशन में दिखाई देगी, लेकिन अगर हम खुद गाड़ी में रहेंगे, हम खुद मोशन में रहेंगे, है ना, तो हमें क्या होगा, क्या समझ में आएगा कि जो आसपास के जो सराउंडिंग है मतलब ट्रीज बिल्डिंग्स वो पीछे की तरफ जा रही है, तो वो सराउंडिंग्स के हिसाब से हम लोग जो है उसका बोलते हैं कि वो मूवेबल है, मूविंग है या नॉन मूविंग है। ठीक है, समझ में आया आपको। ये देखो यहाँ पर ये बैठा हुआ है ना, तो इसको ये गाड़ी जाते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम लोग ट्रेन में बैठे हैं तो ये जो ट्रीज है ये देखो पीछे की तरफ चला गया, लेकिन पेड़ कभी इधर उधर हो सकता है क्या? नहीं। तो ट्रेन आगे की तरफ गई, हम लोग मोशन में है, इसलिए हमें बाहर के जो सराउंडिंग्स है वो मोशन में दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये उसका रीजन है। तो चलिए अभी देखते हैं मोशन और मोशन के टाइप्स। मोशन मतलब क्या होता है, व्हाट इज मोशन? द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट अ गिवन टाइम इज कॉल्ड द मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का जब डिस्प्लेसमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, वो भी किसी टाइम में, गिवन टाइम में, तब हम उसे मोशन कहते हैं। यानी इसमें डिस्प्लेसमेंट इज वेरी नेसेसरी, डिस्प्लेसमेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में पहला है मूविंग व्हीकल्स ऑन द रोड, हम लोग जो रोड पर मूविंग व्हीकल्स देखते हैं वो मोशन का एक एग्जाम्पल है। उसके साथ में ही कोई अगर फ्रूट अगर पेड़ से गिरता है तो उसमें भी मोशन होता है, ठीक है। फ्रूट्स फॉलिंग फ्रॉम द ट्री वो भी मोशन का ही एग्जाम्पल होगा। तो उसकी डेफिनेशन अगर हमें लिखनी है मोशन की, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन, ठीक है। Continuous displacement of an object is called motion. मतलब उसमें continuous displacement होना बहुत जरूरी है। Student please mic बंद रखिए, बार बार अपना mic चालू मत करो, ठीक है। आपको सुनना है, सभी को सुनना है, ठीक है। तो अगर आप mic बंद रखोगे तो ही आपको अच्छे से आवाज आएगी, इसीलिए प्लीज माइक बंद रखो, ठीक है। चेक करो आपका माइक बंद है या चालू है, उसका रेड लाइन होना जरूरी है। सो द कंटिन्यूअस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। तो टाइप्स ऑफ मोशन देखेंगे हम लोग। तो मोशन के मेन दो टाइप है, ठीक है, मेन दो टाइप, लीनियर मोशन एंड नॉन लीनियर मोशन। लीनियर, अब लीनियर यानी क्या होगा, लीनियर ये जो वर्ड है ये बना है लाइन वर्ड से, ठीक है। लाइन यानी आपको मालूम है एक सीधी रेखा, सीधी लाइन जो होती है वो लाइन, ठीक है। तो लाइन से बना है लीनियर, यानी कि लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन क्या होगा, एकदम सीधे लाइन में जो मोशन होता है एकदम स्ट्रेट, वो लीनियर मोशन कहलाता है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अ ट्रेन और मूविंग व्हीकल्स ऑन द रोड में ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। आपने देखा है कि ट्रेन और जो व्हीकल्स होते हैं रोड पर वो एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, इधर उधर ऐसे झिकझैक वे में करते हैं क्या? नहीं, अगर ऐसे करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। तो एक स्ट्रेट लाइन में ही सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, मोशन में होते हैं, तो इसीलिए वो उनका जो मोशन होता है वो हम लीनियर मोशन में उसको कहेंगे, ठीक है। दिस मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। An object in linear motion shows displacement along a straight line. जैसे मैंने बताया कि उसका जो displacement है वो एकदम straight line में होता है। If you stand on a chair and release a ball from your hand, आप अगर किसी chair पर खड़े हो जाते हैं और ऊपर से ball नीचे की तरफ फेंकते हैं तो वो ball इधर उधर गोल गोल नहीं घूमेगा, वो सीधे एकदम straight line में नीचे की तरफ गिरेगा,
तो वो जो मोशन होगा उस बॉल में वो लीनियर मोशन होगा। ओके स्टूडेंट, समझ में आया? लीनियर मोशन बहुत ईजी है, जो एकदम लाइन में होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है, तो उसे हम लीनियर मोशन कहते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर देख रहे हैं ये जो स्लाइड है, उसमें एक गर्ल जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो वो एकदम सीधे वे में आ रही है, एकदम ऊपर से नीचे स्ट्रेट लाइन में, इसीलिए उसे हम कहेंगे लीनियर मोशन। इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड इन अ स्ट्रेट लाइन, इसका बहुत सबसे सिंपल जो है वर्ड ध्यान में रखने लायक है कि स्ट्रेट लाइन, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड द लीनियर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल द मोशन ऑफ द गर्ल कमिंग डाउन द स्लाइड, ये अपने स्लाइड से देख रहे हैं गर्ल जो नीचे आ रही है। ओके, सो ये हो गया लीनियर मोशन। तो यहाँ पर आपको और भी कुछ पिक्चर्स दिख रहे हैं, एक परेड दिखाई दे रही है आपको, मार्च कर रहे हैं जो सोल्जर्स, है ना, और फिर से एक स्लाइड्स में गर्ल खेल रही है, वो एरोप्लेन दिखाई दे रहा है और गन दिखाई दे रही है ना। सो इसमें आपको ये सब स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, मतलब ये सब लीनियर मोशन तो है, बट इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आएगा अभी, वो कैसे देखते हैं। द मोशन ऑफ द सोल्जर्स इन परेड इज द सेम ड्यूरिंग दैट पीरियड, नॉट इवन अ सिंगल स्लाइट डिफरेंस इज सीन। मतलब ये जब परेड होती है तो आपने देखा होगा ये सभी के सभी जो भी सोल्जर्स होते हैं वो एकदम एक जैसा परफॉर्म करते हैं, है ना, कुछ भी उसमें आपको उसकी जो मूवमेंट है उसमें कुछ भी जो है डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। हाउएवर द मोशन ऑफ द गर्ल कमिंग डाउन द स्लाइड डज नॉट अपीयर टू बी यूनिफॉर्म, बट ये जो गर्ल जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो इसमें क्या होता है कि इसकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे बढ़ते जाती है, जब ऊपर से यहाँ तक आएगी तो स्पीड थोड़ी कम रहेगी, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे जाएगी वैसे वैसे उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होती जाएगी, है ना, बढ़ती जाएगी, उसकी वो फास्टर एंड फास्टर होती जाएगी। तो दोनों में फर्क क्या हुआ इसमें और इसमें, कि इसमें जो है स्पीड वो एकदम सेम थी, ठीक है, इनकी मार्चिंग की जो स्पीड है वो हर यूनिट ऑफ टाइम हर समय एक जैसी थी, बट इसकी जो गर्ल की जो स्पीड है नीचे आने की उसमें इंक्रीज हुआ है ना, वो बढ़ गई है। तो इसमें क्या हुआ यूनिफॉर्म, यानी कि जैसे आप लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं, है ना, स्कूल में, तो क्यों पहनते हैं, क्योंकि सभी लोग एक जैसे दिखने चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक जैसे क्या नहीं दिख रहा है, यहाँ पर पूरा एक जैसा दिख रहा है, यहाँ पर पूरी जो स्पीड है वो सब एक जैसी है, बट यहाँ जो स्पीड है इस गर्ल की वो कम ज़्यादा हो रही है, मतलब पहले ऊपर जब है तो थोड़ा कम है, फिर तो जैसे जैसे नीचे आ रही है तो स्पीड बढ़ रही है ना, तो इसमें यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, यूनिफॉर्म यानी कि एक रूप एक जैसापन नहीं है। वैसे ही जो एरोप्लेन है पहले स्टार्टिंग में जब वो जब फ्लाइट जब मतलब ऊपर उठता है तो उसकी जो स्पीड है वो कम होती है, और जैसे जैसे वो ऊपर जाता है वैसे वैसे उसकी स्पीड जो है वो बढ़ते जाती है ना। तो और फिर जो गन है उसकी जो स्पीड है वो एक ही जैसे रहती है, जैसे ही वो निकलती है बंदूक से उसकी जो बुलेट है उसकी स्पीड हमेशा एक जैसे रहती है, उसका जो भी डिस्टेंस होता है लिमिट वहां पर जाने के बाद वो नीचे गिर जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब लीनियर मोशन है, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो कम ज़्यादा होने की वजह से, और जिसमें स्पीड कम ज़्यादा होती है तो उसमें यूनिफॉर्म नहीं होता, है ना, मतलब एकरूपता नहीं होती, इसलिए उसे नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं, ठीक है। जिसमें यूनिफॉर्म नहीं होगा, जिसमें स्पीड एक जैसी नहीं होगी तो उसको नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे, ठीक है, और जिसकी स्पीड एक जैसी होगी तो वो यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। सो द मोशन ऑफ द मार्चिंग सोल्जर्स इज यूनिफॉर्म लीनियर मोशन बिकॉज इन दिस मोशन नो चेंज इज सीन, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी चेंज नहीं दिखाई दे रहा है। ऑन द अदर हैंड द मोशन ऑफ द गर्ल कमिंग डाउन द स्लाइड इज नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ठीक है। तो ये जो गर्ल का जो लीनियर मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, और जो मार्चिंग वाला जो है सोल्जर्स का वो क्या होगा यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होगा। सो दीज आर द टू मेन टाइप्स ऑफ लीनियर मोशन, तो हम लोग वही आज लीनियर मोशन के दो मेन टाइप्स है, हमने पहले दो देखे कि लीनियर और नॉन लीनियर, लेकिन लीनियर के फिर से दो टाइप हो यहाँ पर, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म क्यों हुआ, क्योंकि स्पीड जो है हर टाइम सेम थी इसलिए वो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन की उसकी स्पीड जो है वो मतलब कम ज़्यादा हो रही है, हर समय जो स्पीड है वो उसमें जो डिफरेंस आ रहा है, इसीलिए वो नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन।
सो चलो देखते हैं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है. व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन यूनिट टाइम इज कंटिन्यूसली द सेम द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन. मैंने बताया कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है और उसका जो डिस्टेंस ट्रैवल्स करने का जो टाइमिंग है हर समय एक जैसा है, कंटिन्यूसली द सेम, यहाँ पर लिखा हुआ है कंटिन्यूसली द सेम, यानी उसका जो डिस्टेंस है हर टाइम पर एक जैसा होना चाहिए. जैसे ये जो रूट है वो जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो उसका स्पीड जैसे यहाँ पर आने पर जैसे जो स्पीड है वही यहाँ आने पर है और वही नीचे तक सेम स्पीड रहेगी, है ना. उसके ऐसा नहीं कि यहाँ पर स्पीड कम है फिर यहाँ बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं. तो वो एक ही स्पीड से सीधे नीचे की तरफ आता है, है ना. इसीलिए अगर कोई नीचे अगर कोई खड़ा है या बैठा है तो वो बहुत जोर से उस पर उसके जो है लगता है, है ना. तो ये है लीनियर मोशन कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है हर टाइम उसकी जो स्पीड है ट्रेवल्स करने की एकदम सेम है तो हम उसे यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कहेंगे. उसका एग्जांपल आपने देखा फ्रूट्स फॉलिंग फ्रॉम द ट्री. ये मार्चिंग ऑफ सोल्जर्स, ठीक है. अब लीनियर मोशन देखा नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ठीक है. तो नॉन यूनिफॉर्म हमने कहा कि इस पे स्पीड चेंज जाती है हर समय. सो व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन यूनिट टाइम कीप्स ऑन चेंजिंग. यहाँ पर देखो क्या लिखा है, कीप्स ऑन चेंजिंग, और वहां क्या था, सेम. तो वहां पर स्पीड सेम होती है और यहाँ पर क्या हुआ कि चेंज कीप्स ऑन चेंजिंग, यानी यहाँ पर स्पीड जो है हमेशा चेंज होते रहती है. सो द मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ठीक है. तो यहाँ पर ये होगा नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन. फॉर एग्जाम्पल के लिए ये द मोशन ऑफ द गर्ल कमिंग डाउन द स्लाइड इन नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन. तो स्लाइडिंग पर ये जो गर्ल एक लाइन में आ रही है बट उसकी जो स्पीड है वो जैसे जैसे नीचे आती है वो इंक्रीज होती जाती है, फास्टर एंड फास्टर वो नीचे आती है, इसीलिए वो नॉन लीनियर मोशन होगा. ओके स्टूडेंट, इजी है, समझ में आया आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा. तो कंपेयरिंग लीनियर मोशन, यहाँ पर कंपेयर हो रहा है, देखो ये जो है ये नॉन लीनियर मोशन होगा क्योंकि इसकी स्पीड में जो है डिफरेंस हो रहा है. यहाँ पर इसकी भी जो है नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होगा, ये भी नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, और ये जो है ये यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होगा क्योंकि गन की जो बुलेट की स्पीड है वो एक जैसी रहती है, ठीक है. सो अभी हमने लीनियर मोशन देखा, उसके लीनियर में हमने देखा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, और अभी दूसरा जो टाइप है मोशन का मेन वो है नॉन लीनियर, यानी कि जिसमें एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल के लिए ये जो बटरफ्लाई है ये क्या सीधे वे में एकदम सीधे सीधे उड़ती है क्या, नहीं. तो वो कभी नीचे की तरफ जाएगी ऊपर की तरफ, हाँ, कभी राउंड 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 घूमेगी, कभी नीचे बैठ जाएगी, कभी ऊपर, कभी इधर, कभी उधर, का मतलब वो किधर भी जा सकती है, वो एकदम स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल भी नहीं फ्लाई करेगी. इसीलिए यहाँ पर लिखा है नॉन लीनियर, यानी कि वो एक लाइन में जो मोशन नहीं है इसीलिए उसे कहा है नॉन लीनियर मोशन, ठीक है. ये जो बर्ड्स का जो मोशन है वो किसमें आएगा, नॉन लीनियर मोशन में. ओके, तो ये जो नॉन लीनियर मोशन है उसके दो टाइप्स है, ठीक है. कौन से, सॉरी, इसके फोर टाइप्स है. फर्स्ट है ऑसिलरी मोशन, फिर सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन एंड रैंडम मोशन, ठीक है. हमने लीनियर मोशन के दो टाइप देखे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, और यहाँ पर नॉन लीनियर जो है उसके चार टाइप्स है, ऑसिलेटरी, सर्कुलर, पीरियोडिक और रैंडम मोशन, ठीक है. तो चलो हम देखते हैं पहले ऑसिलेटरी मोशन. तो ये आपको सामने वॉच दिखाई दे रही है, तो ये वॉच का जो पेंडुलम होता है ये क्या करता है, हर एक घंटे के बाद जो है इधर से उधर होता है ना, यहाँ से वहां जाता है. मतलब इसका जो पोजीशन है वो एक फिक्स टाइमिंग के बाद में जो है वो मतलब इधर के उधर होते रहती है ना. सो व्हेन द ऑब्जेक्ट रिपीट्स द सेम मूवमेंट ओवर एंड ओवर फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन. यानी जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी जो पोजीशन है वो चेंज करता रहता है, बार बार रिपीट करता है, तो उसे जो है ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं.
फॉर एग्जाम्पल के लिए पेंडुलम ऑफ द क्लॉक, ठीक है, इसको ऑसिलेटरी मोशन क्यों कहेंगे, क्योंकि वो अपने जो पोजिशन है वो बार बार यानी उसी पोजिशन में आया है ना, यहाँ जाएगा फिर यहाँ आएगा फिर यहाँ फिर यहाँ, तो मतलब उसकी मूवमेंट जो है वो उसकी जो पोजिशन है वो बार बार एक ही जगह पर फिर से आ रही है ना, रिपीट कर रहा है, इसीलिए वो ऑसिलेटरी मोशन होगा। उसके और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ये आपको दिख रहा है स्विंग है ना, झूला है, आपने इस पर कई बार जो है मजा लिया होगा बैठने का, तो स्विंग ऑलवेज कम्स बैक फ्रॉम द एंड टू अदर एंड है ना, जो स्विंग क्या होता है एक एंड से दूसरे एंड तक आता है, यहाँ से इधर जाएगा फिर इधर आएगा, तो ये क्या हो रहा है कि अपनी पोजिशन बार बार वो रिपीट कर रहा है ना, पोजिशन रिपीट कर रहा है, इसीलिए वो क्या होगा ऑसिलेटरी मोशन। उसके ही जैसे और भी कुछ एग्जाम्पल है, जैसे पेंडुलम हमने देखा, पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, फिर विंग्स ऑफ अ बर्ड यानी जो पक्षी के जो पंख जब फड़फड़ाते हैं तो वो भी ऊपर नीचे करते हैं, तो वो भी होगा ऑसिलेटरी मोशन। फिर द नीडल्स ऑफ अ सेविंग मशीन, जो सिलाई की मशीन होती है उसमें जो सुई होती है वो भी ऊपर नीचे होती है, तो वो भी ऑसिलेटरी मोशन होगा। देन द वाइब्रेटिंग डायफ्राम ऑफ तबला, तबले पर जब हम लोग तबला बजाते हैं तो जब उसे पहला स्ट्राइक करते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें जो है ऐसा वाइब्रेशन होता है ना, वाइब्रेशन में क्या होता है कि उसकी जो लेयर होती है ऊपर की वो ऐसे ऊपर नीचे होती है ना, तो वो भी क्या होगा वो ऑसिलेटरी मोशन में ही गिना जाएगा। तबला हो या ड्रम हो, जब उस पर कोई स्ट्राइक करता है यानी कोई उस पर जब पहला हाथ मारेगा या कुछ रॉड से उस पर जब होगा स्ट्राइक, तो वो क्या होगा उसमें वाइब्रेशन होता है, तो वो जो वाइब्रेशन होता है उसमें भी ऑसिलेटरी मोशन ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो समझ में, ऑसिलेटरी मोशन मतलब कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजिशन बार बार रिपीट करता है तो वो ऑसिलेटरी मोशन होता है। क्या पौधे भी सीखते? यस, तो ये जो बर्ड्स है इसके जो फ्लाइंग जो विंग्स है वो भी ऊपर नीचे होते हैं ना जब उड़ते हैं, तो ये भी होगा, ये पेंडुलम और ये जो स्विंग है ये सब ऑसिलेटरी मोशन के एग्जांपल है। फिर सर्कुलर मोशन, सेकंड टाइप है सर्कुलर मोशन, ठीक है, तो सर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। या इसके जो हैंड्स है क्लॉक के, ये हमेशा सर्कुलर वे में यानी गोल गोल ही घूमते हैं, है ना, आपने देखा है कि इसको इधर उधर घूमते हुए नहीं, ये सर्कुलर वे में ही जो है मोशन में रहते हैं, कोई स्लो घूमता है कोई फास्ट होता है बट वो मोशन करता है सर्कुलर वे में, तो ये होगा सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, जब किसी ऑब्जेक्ट का सर्कुलर मोशन कहलाता है। उसके और एग्जांपल देख लेते हैं, ये जो क्लॉक है वो है, फिर ये जो जायंट व्हील है जिसे हम कहते हैं, तो वो भी गोल गोल ही घूमता है, तो वो भी सर्कुलर मोशन में हुआ, ठीक है। फिर ये जो मेरी गो राउंड यानी कि जो झूला है गोल गोल, ये भी राउंड राउंड घूमता है, तो ये भी सर्कुलर मोशन में हुआ। और ये जो है इसका जो तीर है ये राउंड राउंड घूमता है ना। सो द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, अ फैन, अ जायंट व्हील एंड मेरी गो राउंड कंप्लीट ईच राउंड अलोंग अ सर्कुलर रूट, यानी सर्कुलर रूट पर ही मोशन में रहता है, इसीलिए हम सर्कुलर मोशन इसे हम कहते हैं। ये सीलिंग फैन तो आपने घर में देखा ही होगा, ये भी गोल गोल ही घूमता है सर्कुलर वे में, तो ये भी सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल होंगे। ओके बच्चों, बच्चों आप, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइमिंग लिमिट है यहाँ पर, तो अगर आपको कुछ नहीं समझे तो आप बीच में पूछ सकते हैं। ओके, सर्कुलर हो गया। उसके बाद में थर्ड है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन यानी कि उसमें एक फिक्स पीरियड होता है, ठीक है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच पासिस थ्रू अ सर्टन पॉइंट अगेन एंड अगेन आफ्टर अ फिक्स पीरियड, यानी जैसे हमने ऑसिलेटरी मोशन में देखा कि वो फिक्स पॉइंट यानी फिक्स पोजिशन, मतलब जो एक प्लेस होती थी वहां पर बार बार रिपीट कर रहा था, लेकिन वहां पर कोई उसका टाइम लिमिट नहीं था, फिक्स पीरियड नहीं था, तो यहाँ पर क्या हो रहा है पीरियडिक मोशन में उसका फिक्स पीरियड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डे एंड नाइट इन एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियडिक मोशन, यानी जो डे एंड नाइट होता है ना, यानी जो जैसे 12 घंटे की दिन 12 घंटे का रात होता है ना, तो ये पीरियडिक मोशन है, यानी 12 घंटे के बाद रात होगी तो उसके बाद 12 घंटे के बाद फिर से दिन सुबह हो जाएगी, है ना, दिन निकलेगा, तो ये पीरियडिक मोशन का एग्जाम्पल है।
तो ये फिर से पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल वॉच, जैसे हर एक हर 60 मिनट के बाद में जो है एक घंटा पूरा होता है ना, और एक घंटे के बाद ये जो मिनट वाला काटा है वो 12 पर पहुंच जाता है, तो वो पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है क्योंकि ये इसमें फिक्स पीरियड होता है ये। और उसके एग्जांपल है मेरी गो राउंड, और ये जो 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 अर्थ है सन के राउंड राउंड जब चक्कर लगाती है तो ये भी इसका भी फिक्स पीरियड होता है ना। जब सन का एक राउंड लगाने के लिए उसे 365 डेज लगते हैं, और जब वो खुद का चक्कर लगाती है तो उसे 24 आवर्स लगते हैं। तो ये जो पीरियड है वो हमेशा सेम होता है, इसमें चेंज नहीं होता, इसलिए ये क्या होगा, पीरियोडिक मोशन होगा क्योंकि उसमें फिक्स पीरियड है। ओके, समझ में आपको पीरियोडिक मोशन। ये लास्ट है रैंडम मोशन, ठीक है। रैंडम यानी कि इसका कोई डायरेक्शन स्पीड में बिल्कुल भी कोई मतलब सिमिलरिटी नहीं होती, ये हमेशा चेंज होते रहता है। द मोशन दैट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड स्पीड कंटिन्यूसली कॉल्ड रैंडम मोशन। यानी द मोशन दैट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, चेंजेस यानी कि जब उसमें बदलाव होता है उसके डायरेक्शन स्पीड में, वो भी कंटिन्यूसली, है ना। तो जब कंटिन्यूसली किसी ऑब्जेक्ट के मोशन में डायरेक्शन में स्पीड में चेंज होता है तो क्या होता है, रैंडम मोशन कहलाता है। तो रोमिंग ऑफ एनिमल इन द फॉरेस्ट, यानी जो जंगल में जो जानवर घूम रहे होते हैं चरने के लिए, वो किसी एक सीधी लाइन में चरते हैं क्या, नहीं, कभी वो लेफ्ट कभी राइट कभी आगे कभी पीछे, वो कहीं पर भी जो है ग्रास यानी घास जो है खाते हैं, है ना। तो वो क्या होगा, उनका रैंडम मोशन होगा। उसके एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग। ये जो बटरफ्लाई है उसका वो रैंडम मोशन है। फिर जो फुटबॉल प्लेयर जो है, वो फुटबॉल प्लेयर जब एक दूसरे को पास करते हैं फुटबॉल, तो वो भी किसी सीधे लाइन में करते हैं कि नहीं, कभी आगे पीछे दाएं बाएं किधर भी करते हैं, तो वो भी क्या होगा, रैंडम मोशन में ही होगा। और वैसे ही जो अपने क्रॉलिंग बेबी देखा होगा, जो बच्चा रेंगते हैं, है ना, छोटे छोटे बच्चे, तो वो भी किसी एक सीधे लाइन में स्ट्रेट लाइन में मोशन रहता है क्या उनका, नहीं, तो वो भी इधर उधर दाएं बाएं आगे पीछे किधर भी जो है मतलब चलते हैं, है ना, ऐसे रेंगते हैं, तो वो भी क्या होगा, ये जो रैंडम मोशन है उसका ही एग्जांपल होगा। तो रैंडम मोशन किसे कहेंगे, यहाँ पर लिखा है द मोशन दैट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड स्पीड कंटिन्यूअसली, है ना, कंटिन्यूअसली जब स्पीड और डायरेक्शन में चेंज होता है तो उस मोशन को हम लोग रैंडम मोशन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रैंडम मोशन। ये फिर से देखो, ये बर्ड जो है जो जब फ्लाई करती है तो उसमें भी रैंडम मोशन होता है, इधर उधर उड़ती है। ये जो चींटियां हैं, मोशन ऑफ द एंट्स, वो भी यहाँ वहाँ मोशन में होती है, लेफ्ट राइट दाएं बाएं आगे पीछे, तो वो भी रैंडम मोशन होगा, ठीक है। तो ये सब हमने अभी देखा नॉन लीनियर मोशन के 4 टाइप्स, ऑसिलेटरी, सर्कुलर, पीरियोडिक और रैंडम, ठीक है, बहुत ईजी है। उसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक है स्पीड, ठीक है। स्पीड अ बस कवर्स द स्पीड किसे कहेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अ बस कवर्स अ डिस्टेंस फ्रॉम अबाउट 200 किलोमीटर फ्रॉम सोलापुर टू पुणे इन 5 आवर्स। अगर कोई बस सोलापुर से पुणे के बीच का जो ट्रैवल है वो 5 घंटे में पूरा करती है, हाउ मच डिस्टेंस डज द बस कवर इन 1 आवर, तो उसने 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो जब हम 1 घंटे में उसकी जो स्पीड निकालेंगे, तो 1 घंटे में जो उसका डिस्टेंस निकालेंगे वो क्या होगा, वो होगा उसकी स्पीड, ठीक है। सो व्हाइल सॉल्विंग दिस एग्जांपल वी टेक द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवर्स एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवर्स दैट डिस्टेंस। तो अगर हमें किसी चीज की स्पीड निकालनी है तो हमें उसके लिए 2 चीजें जरूरी होगी। सबसे जरूरी है उसका डिस्टेंस, यानी उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवर्स किया है, और उसके लिए उसने टाइम कितना लिया है, तो फिर उसकी स्पीड हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए 2 चीजों का रेशो लगता है, डिस्टेंस यानी उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है और उसने टाइम कितना लगा है, तो उसके हिसाब से फिर हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं। सो द डिस्टेंस ट्रैवल्स बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सो हर यूनिट टाइम में, हर इकाई समय में उसने जितने जो है डिस्टेंस तय किया है उसे हम उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कहेंगे, ठीक है। तो इस बार आपको स्पीड निकालना है तो पहले उसका डिस्टेंस लिख दो आप ऊपर, ठीक है, और फिर उसके टाइमिंग कितना लगा है वो आप लिख सकते हैं, मतलब वहां पर टाइमिंग कितना लगा है वो आपको लिखना है, फिर उस टाइमिंग से और डिस्टेंस को आपको डिवाइड करेंगे तो आपको जो भी आंसर मिलेगा वो उसकी स्पीड होगी,
तो स्पीड हमेशा किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में निकाली जाती है, ठीक है। यानी एक घंटे में कितना किलोमीटर उसने तय किया तो वो उसकी स्पीड होगी, और अगर मीटर सेकंड में निकालना है तो मीटर पर सेकंड में हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया स्पीड। ऑलवेज रिमेम्बर अ मूविंग ऑब्जेक्ट में नॉट हैव ओनली वन टाइप ऑफ मोशन। तो जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी कोई फिक्स मोशन, मतलब कोई फिक्स टाइप नहीं होता, उसमें कोई एक मोशन का टाइप नहीं होता। वो कभी लीनियर में भी हो सकते हैं, नॉन लीनियर में भी हो सकते हैं, कभी ओसिलेटरी में हो सकते हैं, कभी सर्कुलर में हो सकते हैं। तो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट का कोई मतलब नॉट है ओनली वन टाइप ऑफ मोशन, वो किसी सिर्फ एक ही टाइप के मोशन में नहीं होते हैं। तो वो उसका जो मोशन का जो टाइप है वो चेंज होते रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। So now this is time to evaluation. The students आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं और अभी आप बताएंगे कि मैं इसमें जो बोल रहा हूँ उसमें कौन सा मोशन होगा, ठीक है। फर्स्ट है द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, यानी जो अर्थ सन के चारों तरफ जो घूमती है उसमें कौन सा मोशन होता है, कौन सा होगा? पेंडुलम। नहीं, जो अर्थ है आपको मालूम है अर्थ जो है सन के राउंड राउंड चक्कर लगाती है ना, तो उसमें सर्कुलर, यस सर्कुलर, और एक होगा उसमें दूसरा और एक होगा ऑसिलेटरी मोशन। नहीं नहीं ऑसिलेटरी वो बार बार इधर उधर नहीं होती, वो सीधे राउंड में घूमती है ना, तो वो सर्कुलर प्लस पीरियोडिक होगा, मतलब उसमें फिक्स पीरियड होता है ना राउंड लगाने का, 365 डेज लगते हैं, तो वो पीरियोडिक मोशन और सर्कुलर मोशन, ये दो मोशन होंगे। फिर भी है मूवमेंट ऑफ सीलिंग फैन, सीलिंग फैन में क्या होगा सर? पेरिडिक मोशन। नहीं नहीं सीलिंग फैन में सर्कुलर मोशन होता है ना, वो कभी कभी फैन तो है कभी स्लो घूमता है कभी फास्ट घूमता है ना, तो उसमें सिर्फ सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। और फिर मीटियोर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, स्काई से जब कोई गिरता है यानी कि धूमकेतु जैसा जो है कुछ, तो उसमें नॉन लीनियर होगा, वो कौन सा होगा वो? सॉरी लीनियर उसमें क्या होगा, मतलब वो सीधे एकदम गिरता है क्या? नहीं, वो इधर उधर थोड़ा सा होता है ना, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होगा उसमें, मतलब उसकी जो स्पीड है वो थोड़ा नीचे जिसे जैसे आएगी तो वो बढ़ते जाएगी, है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होगा उसमें, एकदम सीधे गिरेगा बट उसके जो स्पीड है वो जैसे जैसे नीचे आएगा तो उसकी स्पीड बढ़ते जाएगी, है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होगा उसमें। फिर डी है अ रॉकेट लॉन्च फ्रॉम द ग्राउंड, अगर हम नीचे से जो रॉकेट लगाते हैं तो उसमें कौन सी स्पीड होती है? लीनियर। उसमें कौन सा मोशन होता है? वो भी तो लेकिन इधर उधर घूमता है ना, वो नॉन लीनियर होगा। नॉन लीनियर यानी कि उसकी स्पीड जो है वो जो है रॉकेट थोड़ा इधर उधर उड़ते हुए जाता है ना, लहराते हुए, इसलिए उसमें वो क्या होगा, नॉन लीनियर मोशन होगा। फिर ई है अ फिश स्विमिंग इन वाटर, मतलब जो वाटर में मछलियां जो स्विमिंग करती है उसमें कौन सा होगा? मैं लास्ट वाला जो देखा, लास्ट वाला कौन सा था?